खबर भगवानपुरा से। पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल खरगोन जिले की भगवानपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे विजय सिंह सोलंकी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। पूर्व विधायक सोलंकी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष हरदा में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद थे। विजय सिंह सोलंकी के बीजेपी में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर बधाई दी। उल्लेखनीय है, विजय सिंह सोलंकी साल 2013 में भगवानपुरा सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, जबकि 2018 में चुनाव में उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते केदार डाबर के सामने हार का सामना करना पड़ा था। विजय सिंह सोलंकी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब आने वाले विधानसभा चुनाव में नए समीकरण बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि विजय सिंह सोलंकी के विधायक रहते हुए सबसे नजदीक रहने वाले भाजपा युवा नेता और श्रीमंत सिंधिया फैंस क्लब खरगोन के जिला अध्यक्ष राहुल गुप्ता की अहम भूमिका रही। हरदा में मुख्यमंत्री ने राहुल को भी माला पहनाई, जो सिंधिया के साथ उसी समय भाजपा में चले गए थे जब सिंधिया गए। राहुल गुप्ता को तत्कालीन कांग्रेस महासचिव और वर्तमान खरगोन विधायक रवि जोशी ने सिंधिया तक पहुंचाया और सिंधिया फैंस क्लब का ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनवाया था। खबर भारतवर्ष के लिए भगवानपुरा खरगोन से राहुल मालवीय की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जन